गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपने अपनों के साथ में हैं। सो टुडे इज फाइनली 5th of July 2020, द वेट इज ओवर। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बुक समरी सीरीज का फर्स्ट वीडियो। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू। सिर्फ इसलिए नहीं कि दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द बुक समरी सीरीज, बट इसलिए भी कि आज जो किताब मैंने आपके लिए चुनी है, दैट इज़ ट्रूली अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक। उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने खुद अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस महसूस किए हैं। अपने एटीट्यूड में, द वे आई यूज़ टू थिंक, द वे आई यूज़ टू लुक अबाउट लाइफ, एंड आई एम श्योर आप भी यही महसूस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। बट उसके पहले, स्टिल इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ इन्श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड पुश दैट बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन। कुछ भी इम्पॉर्टेंट अपडेट, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज जिस किताब को मैंने आपके लिए समराइज किया है, उस किताब का नाम है अनपोस्टेड लेटर्स, हिंदी ट्रांसलेशन अप्रेषित पत्र। और इसके राइटर हैं मिस्टर टी रंगराजन, जिनको अब हम महात्रिया रा के नाम से जानते हैं, और जो कि एक बहुत ही फेमस लीडर हैं, मेंटर हैं, ओरेटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड व्हाट नॉट। और पता है फ्रेंड्स, इस बुक की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ज़िंदगी की उन छोटी छोटी बातों को डील करती है जो बिल्कुल हमारे लिए नमक की तरह हैं, जो जब तक हमारे पास है हमें उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, बट यदि खाने में नमक ना हो तो वो बेस्वाद हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें जिन पर थोड़ा सा ध्यान देकर हम अपनी ज़िंदगी को स्वाद से भरा, लजीज, लाजवाब बना सकते हैं, वो इस बुक में कंपाइल की गई हैं। वैसे तो बुक को चैप्टर्स के फॉर्म में लिखा गया है इन अ वेरी कंसाइज, कॉम्पैक्ट एंड क्लियर मैनर, लेकिन मैंने कोशिश की है उन सब चैप्टर्स को टॉपिक्स में क्लब करने की, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू एब्जॉर्ब। तो जो फर्स्ट टाइम इस बुक के बारे में सुन रहे हैं वो तो इस वीडियो को देखें ही, और जिन्होंने ऑलरेडी ये बुक पढ़ ली है या जानते हैं, आई एम श्योर दे आर एक्चुअली गोइंग टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये किताब का करिश्मा ही कुछ ऐसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में, एज अ ह्यूमन बीइंग, अपने बिजनेस में, अपने वर्क लाइफ में, एज पेरेंट्स, एज इंडिविजुअल्स। बट कई बार क्या होता है कि या तो हम इस ग्रोथ को ओवरलुक कर जाते हैं, या फिर हमको समझ में नहीं आता कि लाइफ में हम कहाँ अटके हुए हैं और हम ग्रो नहीं कर पाते। तो लाइफ हमारी एग्जैक्टली हमारी डेली लाइफ से जुड़े हर वो मुद्दे जो हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं, वो इस बुक में कवर किए गए हैं। And to start with the first one, that is life itself. क्योंकि ज़िंदगी में अगर सबसे important कुछ है तो वो ज़िंदगी खुद है। तो I am going to share the most important 5 points about life जो book में cover किए गए हैं। तो the first point is, life is a gift, value it. Today is a gift, value it. आपको जो आज मिला है वो एक उपहार है, और इस उपहार का सोर्स है, स्रोत है वो ईश्वर, वो परम शक्ति जिसने हमें जन्म दिया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आज सुबह आपकी आँखें खुली हैं और आप सचमुच में बिस्तर से उठ के बाहर आ गए हैं, तो आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको ये आज का उपहार मिला है। क्योंकि ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे इस दुनिया में जो कल रात को सोए होंगे और आज सुबह उठ नहीं पाए होंगे। तो सबसे पहले गेट अप इन द मॉर्निंग, स्माइल, से थैंक यू टू गॉड, उस ईश्वर को, उस परम शक्ति को प्रणाम करें, उसे धन्यवाद दें कि उसने ये 24 घंटे और आपको जीवन में दिए हैं, उपहार स्वरूप दिए हैं, और उसे ये प्रॉमिस करें कि हे ईश्वर, ये जो 24 घंटे आपने मुझे दिए, ये आपका दिया हुआ मुझे उपहार है, और जो भी मैं आज के दिन में करूँगा, जिस तरीके से मैं इस जीवन को आज जीऊँगा, वो मेरा आपको रिटर्न गिफ्ट होगा। अब फ्रेंड्स, जैसे ही कोई हमें बहुत अच्छा गिफ्ट देता है तो हमारा मन करता है ना कि रिटर्न गिफ्ट बहुत ही अच्छा हो,
तो दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ दैट मैजिकल गिफ्ट। तो कैसे हम अपने दिन का एक भी क्षण बर्बाद कर सकते हैं, इस बात पे चिंतन करिए कि वी रियली एक्चुअली डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन आवर लाइफ एंड डेथ। रोज़ सुबह सुबह उठना ये हमारे हाथ में एक्चुअली नहीं है। तो अगर हमें खूबसूरत सी सुबह देखने को मिलती है तो इस बात को मानिए, इस बात को एक्सेप्ट करिए एंड बी ग्रेटफुल कि आज एक उपहार है। द सेकेंड पॉइंट इज कि जीवन हमारी मृत्यु को नहीं टालेगा, तो फिर मृत्यु के लिए हम जीवन को क्यों टालें? सिंप्लीफाई करती हूँ फ्रेंड्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस पे आए दिन हम बहुत सारे सेमिनार्स देखते हैं, बुक्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, आए दिन सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं पेपर्स में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, तो जानते हैं आप, सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस का प्रोकेस्टिनेशन, यानी कि टालने की आदत। और ये आदत इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सटल होती है कि कब ये हमारे डेली रूटीन्स में प्रवेश कर जाती है हमको पता ही नहीं चलता। हम एक छोटे से काम को टालते हैं, फिर एक और छोटे से काम को टालते हैं, फिर थोड़े बड़े काम को टालते हैं, और कब ये टालना हमारी प्रवृत्ति बन जाती है हमको पता ही नहीं चलता। और इस वजह से क्रिएट होता है स्ट्रेस, क्योंकि जो काम जब हमको करना था हमने नहीं किया। बट क्योंकि हमारी टालने की आदत है, दैट डज नॉट मीन कि लाइफ इज़ गोइंग टू वेट फॉर अस। सूरज अपने टाइम पे निकलेगा ही, रात अपने टाइम पे होगी ही, दिन को जैसे बीतना है वो बीतेगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और अगला दिन, जैसा कि मैंने इससे पहले कहा, हमारे बस में है या नहीं ये हमको पता ही नहीं है, और एक्चुअली नहीं है। तो द सेकेंड चीज़ इज़ कि स्टॉप प्रोकेस्टिनेशन। अगर ये टालने की आदत आप में है, आज से, अभी से इसे बदल डालिए। जिस तरह आपने छोटे छोटे कामों को टालना शुरू किया था, उसी प्रकार छोटे छोटे कामों को करना शुरू कर दीजिए, एंड यू विल फील योर माइंड इज़ सो मच डिक्लटर्ड, इट इज़ सो मच पीसफुल। रिसर्च का कहना है कि एक बच्चा जब तक 14 इयर्स का होता है, तब तक उसके पेरेंट्स, उसके गार्डियंस, उसके आसपास के लोग, उसके एल्डर्स, उसके फ्रेंड्स, सब मिलकर उसे 1,48,000 टाइम्स ये बोल चुके होते हैं कि यू कैन नॉट डू इट, है ना, अनबिलीवेबल। बट अगर हम अपनी बोलचाल पर, अपनी बातचीत पर, अपनी खुद की भाषा पर ध्यान देंगे ना, तो वी विल फील कि इससे ज़्यादा बार ये बोलना कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, या आप कर सकते हैं, हम ये बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, एंड दिस इज़ द हार्श रियलिटी। जबकि जीवन हमसे खुद कहता है कि आई कैन डू। प्रकृति का हर जीव हमसे ये सिखाता है कि हम, जब हम कर सकते हैं, व्हाई कांट यू। फ्रेंड्स, बचपन में हमने एक खेल ज़रूर खेला है, हम सब ने खेला होगा। जब भी हम छोटी छोटी चींटियों की लाइन कहीं जाते हुए देखते थे, तो अपनी शरारत में आकर हम बार बार उसे मिटाने की कोशिश करते थे। और तब हमने ये ज़रूर देखा होगा, हमें ज़रूर याद होगा कि हम जितनी बार अपनी उंगली से उस चींटी की लाइन को बिगाड़ते हैं, उन्हें इधर उधर करते हैं, वो चींटी एक सेकेंड का समय नहीं लगाती और वापस दूसरी लाइन बनाना शुरू करती है, दूसरा रास्ता पकड़ना शुरू करती है। चींटी जो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट क्रिएचर है इस प्रकृति में, वो हमें ये संदेश देती है। और इसी प्रकार प्रकृति का हर एक एलिमेंट हमें ये संदेश देता है कि आई कैन डू, यू कैन डू, वी कैन डू। तो फ्रेंड्स, अगली बार आप जब भी कोई इनिशिएटिव लाइफ में लें, कुछ भी नया करें, तो सबसे पहले ये थॉट दिमाग में रखें दैट यू कैन डू। और प्लीज़, गलती से भी किसी को कभी ये ना बोलें कि यू कैन नॉट डू, चाहे वो आप खुद हो या आपके फैमिली का कोई भी मेम्बर हो, कोई फ्रेंड हो, एनीबडी। कि अनुभव के रूप में जीवन ने हमें एक शिक्षक दिया है, वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर इन लाइफ। तो दोस्तों, हर एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में इसलिए आता है ताकि वो हमें और ज़्यादा परिपक्व, मैच्योर, कॉन्फिडेंट बना सके। और ना सिर्फ ये, बल्कि हर बार वो हमारी ताकत को बढ़ाता है, हमारी पावर को बढ़ाता है, ताकि हम अगली बार इससे भी बड़ा चैलेंज फेस कर पाएँ। और यही हम अनुभव करते हैं। यदि हमने कोई काम पहली बार किया, हम उसमें सक्सेसफुल हुए या फेल हुए, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल ज़रूर बढ़ता है उस काम को करने के लिए। तो भगवान ने इस जीवन के साथ एक परमानेंट टीचर हमको देकर भेजा, जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस, जिसे हम कहते हैं अनुभव। तो इस टीचर को हमेशा अपने साथ रखिए,
कोई भी काम करने से डरिए मत, इनिशिएट करने से डरिए मत, या तो सक्सेस मिलेगी या तो लर्निंग मिलेगी। और अगली बार जब आप कहीं हार जाएं या कोई फेलियर आपको अंदर तक झकझोर दे, तो ये याद रखें कि नाउ यू हैव बिकम मोर मैच्योर्ड, यू हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट, नाउ यू आर इवन मोर पावरफुल टू फेस द नेक्स्ट चैलेंज इन लाइफ। द लास्ट एंड द फिफ्थ वन अबाउट लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ में ना हमें लॉसेस बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। एवरी टाइम वी फेस अ लॉस हमको बहुत बुरा लगता है, और कई बार तो वो लॉसेस हमारे दिमाग में इतने ज़्यादा बैठ जाते हैं दैट वी इवन गो टू डिप्रेशन। जबकि हमको बहुत अच्छे से पता है कि यदि प्रॉफिट है तो लॉस भी है लाइफ में। फ्रेंड्स हमारी कहानी शुरू हुई थी बचपन में पापा से ज़िद करके मंगाई हुई उन छोटी छोटी कार्स या छोटी डॉल्स के साथ, जिनमें हम चाबी भरा करते थे, जिनके लिए हम रोया करते थे, जिनको चलाने, जिनको खेलने के लिए हम रोते थे। फिर पता नहीं हम कब थोड़े और बड़े हो गए और अब हमारा फोकस शिफ्ट हो गया बैटरी वाली कार्स पर। फिर हम उसके लिए रोए, हमने उसको खूब चलाया, उससे खूब खेले, और फिर कब वो कार्स धूल मिट्टी में मिल गई, टूट गई, हमें पता नहीं चला। अब आज मैं अगर आपसे पूछूं तो पता नहीं आपने ऐसी कितनी कार्स चलाई होंगी, कितनी टॉय कार्स के साथ आप खेले होंगे, तो आपको कितनी याद है, एक या दो याद होंगी। और आज आप उनके टूटने के दुख को वैसा ही रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, आज आप उनके लिए वैसा ही नहीं रो पाएंगे। धीरे धीरे हम बड़े हो गए और वो टॉय कार्स थोड़ी बड़ी हो गई, 4-5 लाख की एक बड़ी कार, फिर शायद और उससे बड़ी वाली 80-90 लाख की कार। अब जब वो टूटती है तो हमें दुख होता है, इतना दुख कि हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं तो वो कार है, उस कार की होने की वजह से हम नहीं हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में कुछ भी हमारे जीवन से बड़ा नहीं है। बाकी पूरी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हैं, बट आपकी फैमिली के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हैं। पर अगर हम गौर करें इस बात पे, तो हम अपना मेजर टाइम उन लोगों को रिएक्ट करने में लगा देते हैं जिनकी एक्चुअल में हमारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे हमारे पीयर्स हो सकते हैं या ऐसे लोग जिनसे हम रोज़ कुछ देर के लिए मिलते हैं, बट वी डोंट शेयर एनी रिलेशनशिप विद देम। तो फ्रेंड्स ऐसे किसी भी लोगों को, ऐसे थॉट्स को, ऐसी किसी भी चीज़ को इतना पावरफुल मत बनाइए, इतना अधिकार मत दीजिए कि वो आपके मन की शांति छीन लें और फिर आप उसका रिएक्शन उन लोगों पर निकालें जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फैक्टर वर्क लाइफ बैलेंस में भी बहुत काम आता है। जब हम दिन भर अपने काम से परेशान होकर, इरिटेट होकर घर पहुँचते हैं और सारा का सारा ओवर रिएक्शन घर वाले फेस करते हैं, तो फ्रेंड्स दिस इज़ नॉट राइट, दे आर नॉट देयर टू फेस अवर रिएक्शंस। तो प्लीज़ किसी को इतनी अथॉरिटी मत दीजिए कि वो आपका मेंटल पीस आपसे छीन ले और आपके रिलेशंस उससे अफेक्ट होने। यदि कोई हमको हर्ट कर रहा है, उस पर्सन का इग्नोरेंस है वो, बट अगर हम उसकी बात को दिल में गांठ बनाकर बैठ गए हैं तो ये 100% हमारा इग्नोरेंस है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि वो इंसिडेंस तो एक्चुअली एक बार हुआ होता है लाइफ में, बहस किसी से एक बार होती है प्रैक्टिकली फिजिकली, पर हम उसको सोचते कम से कम 1000 times हैं। मतलब वी आर आवर सेल्फ रिपीटिंग दैट इंसिडेंस 1000 times इन लाइफ जो एक्चुअली हुआ एक बार है। अब बताइए गलती किसकी। तो ऐसा प्लीज़ ना करें, इग्नोर एवरीथिंग दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू, दैट इज़ स्नैचिंग योर मेंटल पीस। आप किसी के घर जाते हैं एज अ गेस्ट, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, बट जो होस्ट है वो बहुत ही रूडली आपसे कहते हैं कि थाली लग गई है, खाना खा लीजिए। तो आप मुझे सच्ची सच्ची बताइए, ईमानदारी से बताइए, विल यू बी एबल टू ईट विद दैट फूड विद दैट जॉय?
फिर वो चाहे कितना भी टेस्टी और कितना भी सुंदर दिखने वाला खाना हो, नहीं ना। इसीलिए फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन मैटर्स। हम क्या बोल रहे हैं, हम कब बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कब बोलना शुरू कर रहे हैं और कब बोलना बंद कर रहे हैं, यही वो कम्युनिकेशन स्किल है जो हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाती है या वीक बनाती है। वी शुड एग्जैक्टली नो कि हमें कब क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है और कैसे बोलना है। सो राइट कम्युनिकेशन इज़ द राइट की टू अ स्ट्रांग रिलेशनशिप। आज जो बुक में कवर किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जुड़ा है हमारे सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर, हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर, सक्सेस फार्मूलाज को लेकर, एक्सेलेंस को लेकर। तो द फर्स्ट थिंग सेज कि ये बात गांठ बांध लें कि देयर इज़ नो ईजी रूट टू द टॉप। शिखर पर पहुंचना कभी भी आसान नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डिसाइड करते हैं कि कल सुबह से आप रोज़ टहलने जाएंगे, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी ज़्यादा। छोटी मोटी हो सकती है, जैसे सुबह जल्दी उठना अगर आपकी आदत नहीं है तो आप थोड़ा लेट चले जाएंगे, बट और कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपने ये डिसाइड किया है कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द मैराथन, तब तो चैलेंजेस आएंगे, आने बनते भी हैं, बिकॉज द बिगर द अचीवमेंट्स द बिगर द चैलेंजेस। तो अगर लाइफ में कुछ बड़ा करने का डिसाइड किया है तो पहले प्रिपेयर हो जाइए दैट चैलेंजेस आर बाउंड टू कम। उस अचीवमेंट तक पहुंचने का कोई ईजी रास्ता नहीं है, वो चैलेंजेस से होकर ही गुजरता है। श्योर शॉर्ट सक्सेस फार्मूला पर तो वो सिर्फ एक होता है, कंटिन्यूस लर्निंग एंड ट्रेनिंग। इससे ना सिर्फ हमें हमारे लिमिट्स को ब्रेक करने में मदद मिलती है, बट एवरी टाइम वी गेट अवर सेल्फ ट्रेंड वी बिकम मोर कॉन्फिडेंट, वी कॉन्कर अवर ओन लिमिट्स, वी बिकम मोर पावरफुल टू फेस चैलेंजेस। इसके अलावा सक्सेस का कोई श्योर शॉर्ट फार्मूला नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिस भी फील्ड में आप हैं, डोंट स्टॉप लर्निंग, ट्रेन योर सेल्फ रेगुलरली एंड यू विल सी कि किस तरह से ट्रेनिंग की मदद से हम किसी भी नॉर्मल स्किल को एक्सेलेंस में बदल सकते हैं। फ्रॉम बींग जस्ट स्किलफुल वी कैन बिकम एक्सपर्ट इन द सेम। सो कीप लर्निंग, कीप ट्रेनिंग योर सेल्फ।
बेस्ट इज़ द 10 मिनट बिफोर प्रिंसिपल। दोस्तों अगर वाकई कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली बात है ना, तो वो है आपाधापी। दैट इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम, अ रियल प्रॉब्लम। हर वक्त हड़बड़ी में रहने की आदत से हमारे आधे से ज़्यादा काम तो यूं ही बिगड़ जाते हैं। और क्योंकि हम छोटे छोटे कामों में ये करते हैं, हर जगह 10 मिनट लेट पहुंचना, 10 मिनट लेट स्टार्ट करना, टाइम का ध्यान ना रखना, तो कब हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है ऐसी, हमको पता नहीं चलता। एंड फ्रॉम द स्मॉलर टू द बिगर, हमारे हर काम आपाधापी में या जल्दबाजी में होते हैं। और वो कहते हैं ना, हड़बड़ी में होती है गड़बड़ी। तो एवरी टाइम हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो क्यों ना आज से ही इस आदत को बदल लिया जाए, फ्रॉम 10 मिनट्स आफ्टर टू 10 मिनट्स बिफोर। ये कोई इतना बड़ा मेजर चैलेंज नहीं है। और ये डिसाइड करना कि कल से जहाँ मैं अगर 10 मिनट बाद ऑफिस पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ, तो 10 मिनट पहले भी तो पहुँच सकता हूँ। इट्स नॉट दैट अ बिग डील। और ये छोटा सा चेंज करने से दोस्तों, यू विल सी मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन इन योर प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी लेवल। सो एक्सेप्ट दिस द 10 मिनट्स बिफोर प्रिंसिपल इन डूइंग एवरीथिंग, विच इज़ माई फेवरेट टू। इट सेज कि टॉक नेगेटिविटी इन 2 सेंटेंसेस एंड पॉजिटिविटी इन एटलीस्ट 5। मतलब अपने जीवन की जो भी नकारात्मक बातें हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है आपके जीवन में, कुछ बुरा हुआ है, कुछ ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बोलिए। और जो अच्छा है, जो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स हैं, जो अच्छा हो रहा है, उसके बारे में मैक्सिमम बोलिए, मैक्सिमम शब्दों में बोलिए। और इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल महात्रिया इस बुक में देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके घर में एक छोटा बच्चा है और वो खुशी से खेलता रहता है। तो जब वो प्रसन्नचित्त होकर खेल रहा है ना, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पर जैसे ही उसको चोट लगती है, पूरा का पूरा घर दौड़ पड़ता है उसको पूछने के लिए कि बेटा तुमको लगी तो नहीं, कैसे गिर गए। और इस तरह से हम उस बच्चे की माइंड की कंडीशनिंग कर देते हैं, जो उसको ये सिखाती है कि पॉजिटिविटी डज नॉट अट्रैक्ट। जब मैं अच्छे से खुश होकर खेलता हूँ तो कोई ध्यान नहीं देता, पर जब मैं रोता हूँ तो एवरीबडी कम्स। और यही उसकी मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है। और बड़े होते होते वो अपने प्रॉब्लम्स का गाना दिन रात गाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स बताने से लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे एम्पथाइज करते हैं, खुशियाँ बताने से नहीं आते हैं। सो दिस इज़ अ रियल रॉन्ग प्रैक्टिस फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सही या गलत के बीच के फ़र्क को नहीं जानता। वो ये नहीं जानता कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है या बुरा। वो सिर्फ इमोशंस की डीपनेस और शैलोनेस को समझता है कि कोई इमोशन आपके दिमाग में कितना डीप है या कितना शैलो है। जो डीप इमोशन होता है वही लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। और फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप मल्टीप्लाई होती है दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का कोई सदस्य बाहर गया हुआ है या ऑफिस गया हुआ है, आने में लेट हो रहा है, फटाफट से 100 नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। उसका फ़ोन नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हुआ होगा, रोज़ तो इतने टाइम तक आ जाता है, अभी नहीं आया, कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। फर्स्ट थॉट्स आर दीज थॉट्स ओनली। कभी भी ये दिमाग में पहला थॉट नहीं आता कि अगर रोज़ टाइम पर आ जाता है और आज नहीं आया, तो हो सकता है किसी काम में फंस गया, हो सकता है कहीं और बाहर निकल गया। तो ये जो है ना, ये नकारात्मकता का स्वभाव है कि वो अपने आप मल्टीप्लाई होती है। और पॉजिटिविटी को हमको इलोंगेट करना पड़ता है। सकारात्मक ऊर्जा इतनी जल्दी नहीं फैलती, हमको फैलानी पड़ती है। तो नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, बी कॉन्शियस, जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनकी डेप्थ में चले जाइए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, सोचिए। और जो नेगेटिव है उसके बारे में कम से कम सोचिए, कम से कम बोलिए। टू द एंड फ्रेंड्स, मोटा मोटी हम इस किताब में देखें तो जीवन के उन हर पहलुओं को छुआ गया है जो हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हर किसी के जीवन में आते हैं, जहां हम समझ नहीं पाते कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। तो इन अ नटशेल, इफ़ आई समराइज इट फॉर यू, इस किताब में बात की गई है सबसे पहले तो हमारी लाइफ स्किल्स को लेकर, लाइफ इम्प्रूवमेंट स्किल्स को लेकर। उसके बाद बात की गई है हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर, सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर, एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ को लेकर। उसके बाद किताब में लेखक बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस या बिजनेस एक्सेलेंस को लेकर, वो कैसे लाया जाए।
उसके बाद उन्होंने बात करी है फेथ इन द ऑलमाइटी, उस शक्ति, उस असीम शक्ति जिसने हमें बनाया है उस पर विश्वास को लेकर। और इन अ नटशेल अगर हम बात करें, ये सारे एलिमेंट्स अगर हमारी लाइफ में हैं, इन सब पे यदि हम चिंतन मनन करते हैं तो लाइफ इज़ गोइंग टू बी मच मोर हैप्पियर, पीसफुल, कालमर। फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट द एंटायर कंटेंट ऑफ द बुक और मैंने कोशिश की कि कम से कम समय में आपको पहुंचा पाऊं। एंड बिलीव मी, इनमें से कुछ भी अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, यू विल गेट टू फाइंड द आंसर ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये बुक जो मैंने आपके लिए समराइज करी है उसका टाइटल है अनपोस्टेड लेटर्स, हिंदी में अप्रेषित पत्र। इसके लेखक हैं श्री टी रंगराजन, जिनको अब हम महात्रिया के नाम से जानते हैं। इन्फिनिथिनिज्म नाम से उनका एक बहुत बड़ा फाउंडेशन चलता है। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड स्पीकर, ओरेटर, स्पिरिचुअल लीडर, मेंटर। बहुत सारों की ज़िंदगी में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं। बुक आपको इजीली अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी दूसरी साइट पर इन द फॉर्म ऑफ ई बुक और पेपर बुक। ज़रूर पढ़ें फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्रूली अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक। इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द हमारे सवालों का जवाब है। इट विल ट्रूली चेंज द वे यू लुक एट योर लाइफ एंड आई एम सुपर श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ हेल्प आपकी इस वीडियो से ज़रूर हुई होगी एंड दिस इज़ व्हाट माय मोटिव इज़, कि अगर मेरे एक छोटे से प्रयास से एक छोटा सा भी बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आता है तो दैट इज़ माय रिवॉर्ड। तो वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी कोई किताब जो आप बहुत दिन से पढ़ने का सोच रहे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। आई विल डेफिनेटली समराइज इट फॉर यू, मेक इट ईजियर फॉर यू टू लिसन। वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू।